नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का एचआरआई न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, टीएमसी को यहां पर 219 सीटें मिलती हुई पश्चिम बंगाल के अंदर नजर आ रही हैं, जो कि प्रचंड बहुमत है यहां पर। लेकिन इस बीच एक बेहद बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है, जो की है नंदीग्राम से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत हासिल कर रही थी, लेकिन यहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब यहां पर शुभेंदु अधिकारी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया है 1622 वोटों से। ये यहां पर वैसा ही मामला है जैसा कि बिहार के अंदर देखने को मिला था, जब तेजस्वी यादव बहुमत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहां पर आरजेडी के कई उम्मीदवार जो कि जीत चुके थे चुनाव, उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। क्योंकि जब से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के जीतने की खबर सामने निकल के आई है, तब से ही लगातार बीजेपी की काफी चौतरफा किरकिरी हो रही थी। इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर भी कई लोगों का कहना है कि ईवीएम के जरिए बीजेपी ने बड़ा खेला खेला है बंगाल के अंदर, जो कि खास सीट है नंदीग्राम, उस पर ये यहां पर दोस्तों आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लोगों का यहां पर यह भी कहना है कि चुनाव आयोग की पूरी मिलीभगत है बीजेपी के साथ। दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा उलटफेर, बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है नंदीग्राम से। यहां पर ममता बनर्जी को पहले जीता हुआ घोषित किया जाता है, लेकिन बाद में शुभेंदु अधिकारी को कुछ देर के बाद यहां पर जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगर आप लोग भी खुलकर के ईवीएम का विरोध करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस खबर पर अपनी राय जरूर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।